हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आज मेरी बहनें मुझसे मिलने आई। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और इनके साथ पानी पूरी और ये बादाम मिल्क शेक, ये सब कुछ ले आए हैं। तो वही हम यहाँ पर मैं सबको दे रही हूँ और हम भी खा ले रहे हैं। पानी पूरी अभी नहीं निकाली है, पहले तो मैं सबको ये बादाम मिल्क शेक दे रही हूँ। बच्चों ने वैसे डब्बे ही ले लिए हैं और मैं यहाँ पर ग्लास में निकाल कर ले रही हूँ हमारे लिए। इस तरह से डब्बे से पीने में नहीं आता मुझे, तो मैं अश्विनी रोहिणी हम सब और ये दीदी सबको ग्लास में डाल कर दे दूँगी। और ये जो अश्विनी की ननन जी है, उन्होंने नहीं पीना है, ये वो बोल रहे हो ठंडा रहता है तो उन्हें जल्दी से जुकाम पकड़ लेता है। और वैसे भी बादल छाए हुए, एकदम ठंडा मौसम हो चुका है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सर्दियों के दिन है, ऐसा लग रहा है बारिश के दिन है। थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी दोपहर में और अभी भी ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। बिल्कुल सर्दी नहीं है आज, बिल्कुल भी ठंड का मौसम लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए मना कर रहे हैं कि सर्दी होती है मुझे जल्दी से उन्हें जुकाम पकड़ लेता है, तो इसलिए वो मना कर रही है। और सारे बच्चों के हाथों में कुछ ना कुछ खिलौने हैं, किसी ने शेर ले लिया है, किसी ने पंछी ले ली। सानवी जब से आई तब से अच्छे से खेल रही है, सबसे बातें भी कर रही है इशारों इशारों में, मगर अब पता नहीं से क्या हो गया, रोने लगी है। तो बच्चों का क्या है, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। तो उसके मम्मी को यहाँ पर बैठने भी नहीं दे रही है और रो रही है, तो इस तरह से उसे खिला रही है। और वो बादाम मिल्क शेक पी रही थी मगर पीने नहीं दिया क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी से जुकाम हो जाता है और वो बहुत ठंडा है, तो इसीलिए उसे नहीं दिया है। अब सबका पीना हो चुका है, अब खाने के लिए ले लेते हैं पानी पूरी। और इस सानी को देखिए, इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है, बस रोहिणी उसे लेकर इधर उधर घूम रही है और जो बादाम मिल्क शेक बचा हुआ है उसे उठाकर फ्रिज में रख देती हूँ। और अब ये खा ले रही पानी पूरी और अश्विनी यहाँ पर सबको पानी पूरी भर कर दे रही है। और ये दीदी मना कर रही है कि इन्हें नहीं खानी है पानी पूरी, इन्होंने बादाम मिल्क शेक भी नहीं पिया था और पानी पूरी भी नहीं खानी है, मगर अश्विनी जबरदस्ती से दे रही है। और दिनेश के पापा को कुछ भी नहीं खाना है, वो मना कर रहे कि उन्हें कुछ नहीं खाना है, ना पानी पूरी खानी है ना बादाम मिल्क शेक पीना है, जबरदस्ती से थोड़ा सा छोटे से ग्लास में दे दिया था तो वो ही पी लिया है, वो भी मना कर रहे थे। दोपहर के लंच में थोड़ा सा लेट हो गया था तो वही बोल रहे कि लंच भी लेट से हो गया है इसलिए मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, बस ऐसे ही सबसे बातें करते हुए बैठे हैं। और शायद अब फोन आ चुका है तो फोन पर बातें चल रही इनकी। सबका खाना पीना हो चुका है और अभी सब उठा कर रख देते बर्तन। और यहाँ पर सानवी को चुप करा रही है, दोनों मिलके रो रही है। तो ये देखिए, बादाम मिल्क शेक पीना चाहती थी तब से रो रही है, फिर बाद में मैंने क्या किया, उसी डब्बे में दूध डाल कर दे दिया है ताकि वो डब्बा देख के पी ले, और वैसा ही हुआ, ये डब्बा देख देख के पी रही है। अगर गिलास में दूध देती या कप में देती तो ये नहीं पीती, मगर ये कमाल तो देखिए, इस डब्बे को देख कर ही दूध पी रही है, उसके अंदर क्या है इसे उसे कुछ लेना देना नहीं है, बस ये डब्बे सारे बच्चों ने इस तरह से मुँह पे लगा कर पी रहे थे ना, शायद उसी वजह से इसे भी लग रहा है कि मैं भी ये डब्बे से दूध, मतलब जो इस डब्बे में वो पी लूँ,
मैंने इसके अंदर दूध डालकर दे दिया, तो देखिए कैसे दूध पी रही है। और जब अश्विनी आकर ले रही थी ना, बहुत रो रही थी और ये डब्बा नहीं छोड़ रही, अब किसी को इस डब्बे को हाथ लगाने नहीं दे रही है। मैंने लिया तो भी रो रही है, अश्विनी ने लिया था तब भी रो रही थी। तो ये देखिए, तो बच्चों का मन कैसा होता है ना, जो देखते हैं वही करते हैं बच्चे। तो इसमें से दूध खत्म हो चुका है, तो अभी थोड़ा दूध डालकर दे रही हूँ। वैसे ठंडा मौसम हो रहा है ना, इसी वजह से उसे बादाम मिल्क शेक नहीं दिया था मैंने, दूध डालकर दे दिया, तो पी लिया है और अच्छे से खेल भी रही है। अब रात के 8 बज रहे, अभी रात का खाना भी बनाना है। पता नहीं इनसे बातें करते करते कब 8 बज गए, मैंने जब टाइम देखा तो 8 बज चुके थे, तो अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये मेथी की सब्जी, टमाटर सब ले आए हैं। तो अभी मैं मेथी की सब्जी बनाऊँगी, पतला सा मेथी का साग बना लेती हूँ अरहर की दाल डाल के, जो सबको पसंद आएगी। बच्चे भी खा लेंगे चावल के साथ, और हमको भी बड़ों के लिए भी रोटी के साथ खाने के लिए आ जाएगी। तो ये दोनों मिलके, रोहिणी और अश्विनी, ये सब्जी तोड़ कर दे रहे हैं मुझे, और मैं यहाँ पर चाय बना ले रही हूँ। और ये बर्तन जो पानी पूरी खाए हुए बर्तन है, ऐसे रख दिए हमने, बस हमारी बात ही चल रही है कब से, काम नहीं हो रहे थे। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, अब फटाफट से कर लेते हैं सारे काम। और ये चाय अश्विनी के लिए बन रही थी, तो अश्विनी के साथ रोहिणी को भी दे दिया है, और ये दोनों चाय पी ले रहे। थोड़ा सा अश्विनी ट्रैवल कर लेती है तो थोड़ा सर भारी हो जाता है इसके हवा के कारण, तो इसीलिए चाय बनाकर दे दी अदरक डाल के। तो चाय इन्होंने पी ली है, और ये मेथी की सब्जी, टमाटर, ये सब कुछ काटा पेटी करके दे दिया है इन दोनों ने। अब अश्विनी आ चुकी है मेरी मदद करने के लिए, हम दोनों मिलकर फटाफट से रात का खाना बना ले। यहाँ पर हमारा खाना भी बन रहा है और हमारी बातें भी चल रही है, बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो रही है आज, सारी बातें याद कर करके हम हंस रहे हैं। बचपन के दिन ना बहुत सुहाने होते हैं, बचपन के दिन बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाती है, तो तब बचपन की यादें याद आ जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और बाहर अम्बादस बहुत मस्ती कर रहा है, तो वही देखकर हम हंस रहे, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है वो, इतनी शैतानी करता है ना, कुछ भी करते रहता है, तो उसी को देखकर हम हंस रहे। खाना बन चुका है, मेथी का साग और चपाती चावल बना दिए, अभी रोटी बनानी है तो मैं रोटी बना ले रही हूँ। और यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही है, और ये अम्बादस को देखिए, एक कुर्सी सारी एक के ऊपर एक रखी हुई है, उसके ऊपर चढ़ के फिर इस लकड़ी के ऊपर चढ़ेगा ये। और बाकी बच्चों को देखिए, ये बिल्कुल शांत है, ऐसी मस्ती करते ही नहीं, बस ये अम्बादस अकेला है, ऐसी मस्ती करते रहता है और इसे बिल्कुल डर नहीं लगता है, एकदम बिंदास जैसे सर्कस में करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से कर रहा है ये। देखिए इस रस्सी के, इस लकड़ी के ऊपर बैठ गया है, और पहले तो आते ही इसके ऊपर चलने लगा था वो, ऐसे हाथ छोड़ के जैसे सर्कस में चलते हैं ना धागे के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह से हाथ छोड़ के इस लकड़ी के ऊपर खड़ा था ये, बिल्कुल डर नहीं है इसे। और ये दिनेश देखिए, ये कुर्सी सारी निकाल कर रख दे रहा है और बोल रहा है कैसे नीचे आओगे, अब आ जाओ ऊपर ही बैठो, मगर नहीं ये नीचे आएगा, बहुत कलाकार है अम्बादस। और ये सारे बच्चे इसी को देख रहे,
एकदम बिंदास मस्ती करने में लगा रहता है, बिल्कुल डर नाम का, इसे बिल्कुल डर है ही नहीं किसी भी बात का, बस हम देखने वाले ही डर जाते कहीं नीचे ना गिर जाए। और इस सानी को देखिए कितनी खुश है, इसे भी ऊपर चढ़ना है, ऊपर ही हाथ कर रही है। और ये दीदी ऐसी शांत बैठी हुई है, अब ये भजन कर रही है सानवी, विठल 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 नाम का जाप करते हुए। अब रात के 10:30 बज रहे होंगे, पता नहीं टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे ही टाइम भाग रहा है आज। हमारा खाना पीना हो चुका है और बच्चे सो रहे, कोई सो रहा है, कोई मस्ती करने में लगा है, कोई बातें कर रहा है। जब बहुत सारे बच्चे मिलते हैं ना साथ में तो सभी अपने अपनी बोलने में बताने में लगा हुआ होता है, तो वही चल रहा है। और यहाँ पर ये देखिए सानवी की मस्ती, ये बिल्कुल इसे नींद नहीं आ रही है, ऐसे ही इधर एक बार उधर एक बार जा रही है, एक बार अश्विनी के पास जाती है, एक बार मेरे पास आती है, एक बार रोहिणी के पास जाती है। अब रात के 11:30-12 बज रहे होंगे और सानवी को भी नींद नहीं आ रही है और हमें भी नींद नहीं आ रही है, तो हमारी थोड़ी देर बातें चलेंगी, आप तो सो रहे होंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह नेक्स्ट वीडियो में।